दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत माँ के सपूतों ने देसी जुगाड़ लगा के एक से बढ़कर एक आविष्कार किए हैं। दोस्तों, अपनी कमर कस लीजिए और स्क्रीन के आगे से बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि आज जो हम आपके लिए दिखाने वाले हैं वो आपने कभी नहीं देखा होगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और लाल सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव में आपने अक्सर देखा होगा कि पहले के ज़माने में खेतों में इंसान का एक पुतला बना के रख दिया जाता था, जिससे पक्षी या जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब पक्षी अब इंसानों के पुतलों से नहीं डरते। ऐसे में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है, तो हमारे देसी भाइयों ने कर दिया देसी जुगाड़। देखिए कैसे पंखे के साथ पेट को टांग दिया है और साथ में ही बांध दिया है एक लकड़ी और एक नट। इससे होता यह है कि जैसे ही पंखा घूमता है उसके पीछे बंधी लकड़ी और नट भी घूमते हैं, और वह लोहे के नट जब प्लेट से टकराते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है। इस आवाज़ के डर से पक्षी जानवर तो छोड़िए, इंसान भी नहीं आते खेतों के अंदर। अब बात करते हैं कि कैसे हमारे किसान भाई बाइक का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आप और हमारे लिए बाइक का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन होता है। किसानों के लिए भी यही होता है, लेकिन फिर भी एक किसान हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। देखिए कैसे इंसान बाइक से चारा काट रहा है। बाइक के टायर से चक्रे वाली मशीन के चक्रे को चलाया जा रहा है और फिर देखिए कैसे झटपट चारा काटा जा रहा है। कई लोग तो अपनी साइकिल से भी काम चला लेते हैं। जब बात गांव की हो तो साथ ही आपको ये भी दिखा दूं कि खेतों में पानी पहुंचाने का काम कैसे किया जाता है। आपको क्या लगता है कि ये किसान जनरेटर की मदद से खेतों में पानी डाल रहे हैं? जी नहीं, ये लोग कर रहे हैं फुल देसी जुगाड़। ये देखिए कैसे बाइक से किसान ट्यूबवेल चला रहे हैं। देखिए कैसे खेतों में पानी डाला जा रहा है ना, ये भी टॉप क्लास जुगाड़। दोस्तों, इनसे मिलिए, इनका नाम है दर्शन कोहले। इनकी उम्र 14 साल है। दोस्तों, जब आप इनकी कहानी सुनोगे तो इनको सलाम करोगे। इनकी माँ दूसरों के घरों में जाकर कपड़े साफ करती थी। कई बार लगातार काम करते करते इनकी माँ बीमार हो गई, लेकिन जब बेटा ऐसा हो तो फिर फिक्र कैसी। 14 साल के दर्शन ने देसी जुगाड़ से बना दी एक वॉशिंग मशीन। देखिए इस मशीन को। इस मशीन के लिए दर्शन ने एक साइकिल का इस्तेमाल किया, एक प्लास्टिक के डिब्बे और लोहे के जाल का। बस आपको कपड़ों के लोहे के जाल में रख देना है और उसके बाद पैडल चलाने हैं। यकीन मानिए, मिनटों में आपके कपड़े साफ हो जाएंगे। तो था ना ये बढ़िया देसी जुगाड़। आइए आगे चलते हैं। जब भी आप किसी मीट शॉप पर जाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार चिकन की बॉडी से पंख निकालने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन देसी लोगों ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया है। देखिए कैसे इन लोगों ने ड्रम में से कई सारे पाइप निकाल दिए हैं। अब क्या करना है, बस साइकिल के पैडल चलाने हैं और ये सारे चिकन के पंख एक मिनट में साफ हो जाएंगे। जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। हो गए ना चिकन के पंख साफ, मिनटों में ही टॉप क्लास देसी जुगाड़। दोस्तों, अब यह भी देख लीजिए कि कैसे फसलों को कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद उसको एक साथ ही झोले में डाल दिया जाए। देखिए कैसे मिनटों में ज़मीन पर पड़े अनाज को उठा लिया जाता है और बोरी में डाल दिया जाता है, और उसके बाद उसे मशीन के अंदर बैग में पैक करने के लिए भेज दिया जाता है। ये है एक देसी जुगाड़ इन भाई लोगों का, आज की दुनिया जो कि सीख रही है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी मशीन जिसे बनाया है एक बाप बेटे की जोड़ी ने मिलकर। जी हाँ दोस्तों, आज से कई सालों पहले आपने देखा होगा, इनफैक्ट आजकल भी आप देखते ही होंगे कि अगर किसी को एक लंबे पेड़ पर चढ़ना होता है तो वह रिस्क लेते हुए ऊपर चढ़ता है। कई बार पेड़ से गिरने की वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है, लेकिन अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस बाप बेटे की जोड़ी ने बना दिया है ये शानदार मशीन। देखिए कैसे इसकी मदद से आप आराम से पेड़ पर चढ़ सकते हैं।
बस आपको ये मोटर ऑन करना है और आप पेड़ पर चढ़ते चले जाओगे। दोस्तों आपको ये बता दूं कि इस मशीन में ब्रेक भी लगा हुआ है जो आपको जहां चाहे वहां ब्रेक दबा के रुक सकती है। दोस्तों हम सभी को ये तो पता ही है कि नारियल खाने में जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही छीलने में इसे दिक्कत आती है, लेकिन ये मशीन जो बिल्कुल देसी स्टाइल की है बहुत इफेक्टिव है। ये देखिए कैसे नारियल को छीला जा रहा है। भुट्टा खाना किसे पसंद नहीं है, ये बात तो आपको भी पता होगी कि भुट्टे को छीलना कितना मुश्किल काम है। आप हाथों से ज़्यादा ज़्यादा 20 से 25 भुट्टे छील सकते हो। चलिए आपको ये देसी जुगाड़ दिखाते हैं। ये गांव के लोग ड्रिल मशीन की मदद से भुट्टे के दाने अलग करते हैं। ये देसी जुगाड़ भारतीय नहीं बल्कि अमरीकी किसान भी अपना रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे नए वीडियोस और फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।